हेलो हेलो वेलकम बैक टू चैनल तो आज हम कंटिन्यू करते हैं हमारी नेक्स्ट कार्बोकेट रीअरेंजमेंट रिएक्शन जो है आपकी वैगनर मेरवाइन रीअरेंजमेंट रिएक्शन तो देखो पहले मैं आपको बता दूं कि देखो आपको नंबर ऑफ रियजमेंट रिएक्शन पढ़ने नंबर ऑफ रिएक्शन पढ़ने है एक ही सेमेस्टर में बहुत सारी

क्या है? तो देखो, like pinacol, जैसे आपकी पिनाकोल थी वैसे यहाँ पर को भी आपको देखना है मैंने आपको वहां भी बोला था कि ये की एक टाइप की रीअरेंजमेंट रिएक्शन है तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन में आपका कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होता नहीं है क्योंकि यहाँ आपका जो रिएक्टेड मॉलिक्यूल है यही रियरेंज होकर आपका प्रोडक्ट बनाता है आपने बाहर से कुछ एक्ट तो करना नहीं है ना कुछ बाहर डालना है यानी कि आपका रिएक्टेड मॉलिक्यूल सिंपली अकेले अपने आप में ही क्या करेगा रीअरेंज होगा और आपका प्रोडक्ट देगा ऐसी रिएक्शन को आप बोलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन ओके लेकिन ये रिएक्शन जो है वो आपकी क्या है कार्बो कैटाइन रीअरेंजमेंट रिएक्शन आप सिलेबस पे देखेंगे तो वहां लिखा हुआ है ये कार्बो कैटाइन रीअरेंजमेंट रिएक्शन है तो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट रिएक्शन का मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह है कि इन रीअरेंजमेंट रिएक्शन में क्या आपका कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनेगा ही बनेगा यानी कि रिएक्टेंट से सीधे प्रोडक्ट नहीं बनेगा पहले आपका रिएक्टेंट क्या है एक इंटरमीडिएट बनाएगा जो आपका क्या होगा कार्बोकेटाइन एंड ये कार्बोकेटाइन देन रीअरेंज होकर अपना प्रोडक्ट बनाएगा ओके okay, ये जो सिंपली रिएक्शन होती है इसी को बोलते हैं कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट रिएक्शन यहाँ भी रीअरेंजमेंट हुआ है लेकिन यहाँ एक स्टेप एड हो गया वो है कार्बोकेटाइन यानी कि इंटरमीडिएट पोजिशन में आपका एक कार्बोकेटाइन फॉर्म होना ही चाहिए इतनी चीज क्लियर है अब वैगनर बेयर में क्या होता है देखो वैगनर बेयर में भी पिनाकोल पिनाकॉलोन जैसा ही होता है वही स्टेप आपने फॉलो करना है देखो वहां भी आपका वाटर एलिमिनेट हुआ था यहाँ भी वाटर एलिमिनेट होगा बस ठीक है वो ही स्टेप आपने फॉलो करना है तो मैं आपको सिंपली बताती हूँ जैसे आपने पिनाकोल पिनाकोलोन में क्या बोल रहे थे कि आपका जो एल्कोहल है वो आपका रिएक्टेंट है और कीटो आपका प्रोडक्ट है क्योंकि आप नाम से समझ गए पिनाकोल ऑल मतलब हो गया एल्कोहल पिनाका लोन ओन मतलब हो गया कीटो ओके लेकिन वैगन मेयर वाले में सॉरी ये वैगनर मेयरवाइन रिएक्शन में जो है लेकिन ये जो वैगनर मेरवाइन रीअरेंजमेंट रिएक्शन है इस पर आपको रिएक्टेड मॉलिक्यूल और प्रोडक्ट थोड़ा अजीब सा लगेगा कैसे अजीब सा लगेगा क्योंकि इसमें जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होता है वो कोई ऐसा नहीं होता कि कोई अल्कोहल ले लिया कोई आपने कार्बॉक्स कैसी ले लिया ऐसा कुछ नहीं यहाँ क्या है आपको एक सिंपल कार्बन स्केलेटन एज अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लेना है बस उस कार्बन स्केलेटन में क्या है एक लिविंग ग्रुप होगा ओके okay? लेकिन यहाँ पर ये यह जो रिएक्शन मैं आपको करा रही हूँ जिसे मैं आप सिंपल वे में आपको आगे दिखाने वाली हूँ यहाँ पर को मैं लिविंग ग्रुप को एक्स लिखने की बजाय क्या है ओ एच लिखूंगी यानी कि यहाँ इस रिएक्शन में मैं ओ एज एज ए लिविंग ग्रुप लेने वाली हूँ ओके okay? जिससे क्या आपको रिएक्शन और सिंपल वे में समझ में आएगी ठीक है ये तो हो गया आपका रिएक्टेंट अब देखो रिएक्टेंट से क्या होगा ये जो आपका कार्बन स्केलेटन है अगर मैं इसे लिखूं तो पहले क्या होगा आपका कार्बन स्केलेटन किस में कन्वर्ट होगा एक कार्बो कैटायन में कन्वर्ट होगा तो आपने इसे सिंपली कार्बो कैटायन में कन्वर्ट करना है एंड देन इस कार्बो कैटायन से आप क्या बनाएंगे प्रोडक्ट तो इस केस में प्रोडक्ट क्या होता है तो देखो इस केस में आपको दो टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं एक तो आपका रियरेंज प्रोडक्ट होता है जो कि आपका देखो अगर यहाँ आपका लिविंग ग्रुप मैंने हाइड्रोक्सी ले रखा है ओ एच ले रखा है तो प्रोडक्ट भी आपका ओएच ही मिलेगा लेकिन अगर मैं इसमें रियरेंज प्रोडक्ट बनाऊ तो एल्कोहल मिलेगा लेकिन यहाँ पर को अगर मैं डी प्रोटोनेटेड डी प्रोटोनेटेड प्रोडक्ट बनाऊ तो यहाँ पर को मुझे क्या मिल जाएगा एल्कीन मिल जाएगा इतनी चीज क्लियर है ये चीज समझ में आ गई कि रिएक्टेंट क्या हो गया प्रोडक्ट क्या हो गया अब मैं आपको रिएक्शन में ले जाती हूँ आपको

रीअरेंजमेंट re रिएक्शन की वजह से लेकिन यहाँ पर को क्या है कार्बोकेटाइन भी इन्वॉल्व होता है यानी कि कार्बोकेटाइन एज ए इंटरमीडिएट फॉर्म होता है ओके क्योंकि कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट रिएक्शन है अगला क्या बोल रहे हैं आप ऐसा भी बोल सकते हैं द चेंज चें कार्बन स्केलेटन कार्बन स्केलेटन क्या है आपका रिएक्टेड मॉलिक्यूल इसमें चेंज आना थ्रू द रीअरेंजमेंट किसकी वजह से रीअरेंजमेंट की वजह से ऑफ अ कार्बो एनाइन यानी कि पहले आपने क्या बनाना है कार्बो एनाइन बनाना है उसके बाद उसे रीअरेंज करना है एंड देन इंटरकार्बो एन क्या है आपका एक इंटरमीडिएट है मैंने आपको बता दिया थ्रू द और ये किसकी वजह से रीअरेंजमेंट कैसे होता है जब आप क्या करते हैं आपको एक ग्रुप को माइग्रेट कर देते हैं दूसरी पोजिशन में ये तो हमने पिनाकॉल पिनाकॉल में समझ लिया था यानी कि रीअरेंजमेंट क्या होगा मैंने आपको क्या बोला आपका एक रूम है वहां फर्नीचर है बेड है बहुत सारी चीज है आप क्या करें उनको एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप में यानी कि फर्नीचर की जगह आप अपना टेबल रख दे टेबल की जगह टीवी रख दे तो ये क्या होगा शिफ्ट हो रही है आपके जो रूम है उसमें वही सारे ग्रुप है टेबल है चेयर

लेकिन जो पोजिशन है इनकी अरेन्जमेंट की वो अलग होगी कैसे पहले ये न्यू वे में अरेज थे बट अब ये क्या है आइसो वे में अरेज होगी समझ में आए तो आप देख सकते हैं यहां पर हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट था अब यह सिफ्ट होकर यहां चला गया और इस ओए OH की प्लेस में आ गया सीएस यानी कि मिथाइल ग्रुप यानी कि मिथाइल ग्रुप और जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है जो लिविंग ग्रुप है उनने एक दूसरे की पोजिशन को डिस्प्लेस कर दिया चेंज कर दिया चीजें क्लियर आई तो ये इसकी रिएक्शन वे होगी समझ में आया क्या हुआ अब देखो मैकेनिज्म है आपको इसी में और क्लियर करती हूँ कि कैसे आपने कार्बोकेटाइन एज ए इंटरमीडिएट फॉर्म करना है इतनी चीज क्लियर है अब अब ये हो गया मैकेनिज्म देखो मैं आपको बताती हूं पहला जारी किया है ठीक है अब बात करते हैं मैकेनिज्म पे ओके तो देखिए मैकेनिज्म को है हम क्या स्टेप वाइज लेते हुए चलेंगे जैसे हमने कॉल पिनाकॉल, पिनाकॉलोन में किया था और आप ऐसे ही कीजिएगा क्योंकि देखो ना एक अच्छे फॉर्मेट पर अगर आप लिखेंगे तो वो थोड़ा इंप्रेसिव लगता है टीचर को भी अच्छा लगेगा ओके तो देखने में चीजें भी उतनी अच्छी होनी चाहिए जितना उसका मटीरियल होना चाहिए ओके तो आप भी क्या इसी फॉर्मेट पर लिखिएगा अच्छा साफ साफ लिखेगा तो देखिए मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं तो पहले स्टेप पे क्या बोल रहा है मैं आपको स्टेप वाइज बता रही हूँ तो पहले स्टेप पे क्या है जैसे आपने पिना कॉल पिना में किया था आपने क्या करना है एच पॉजिटिव आयन यानी कि आपने कोई एसिड ले लिया कोई भी एसिड ले लिया सपोज आपने क्या है H2SO4 ले लिया वहां भी मैंने H2SO4 का एग्जांपल दिया था H2SO4 जैसे ही डिसोशिएट होगा तो एक तो H पॉजिटिव आयन में टूटेगा एक HSO4 नेगेटिव के फॉर्म में निकलेगा ओके तो आपने क्या करना है इस H2SO4 से H पॉजिटिव आयन को लेना है और ये जो H पॉजिटिव आये ना ये सीधे अटैक करेगा इस ऑक्सीजन पे क्यों करेगा क्योंकि देख ये ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मैंने बताया है कि अगर आपके पास आपके पास नहीं किसी भी मॉलिक्यूल के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन में कभी नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट कर सकता है यानी कि तीनों चीजें इंटर कन्वर्टेड है क्योंकि सबके सब है सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन से बनके बनी है यानी कि ये भी दो इलेक्ट्रॉन से बनी है ये भी दो इलेक्ट्रॉन से बनी है तो ये भी दो इलेक्ट्रॉन से बनी है तो दो इलेक्ट्रॉन से, तो से बने होने के कारण ये तीनों तीनों के क्या के के है एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है यानी कि आप कभी भी किसी भी सिंगल बॉन्ड को नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट देखो सिंगल बॉन्ड नहीं ऐसा बोल सकते पाई बॉन्ड को नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट कर सकते हैं पाई बॉन्ड है तो आप इसे हटाइए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा दीजिए नेगेटिव चार्ज आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप लोन पे भी लगा दीजिए आपकी मर्जी ओके okay, तो ये तीनों कन्वर्टेबल होते हैं

लेकिन किसकी और ज्यादा झुकाव है किसकी ओर जा, किसको ज्यादा अच्छा मानते हैं इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को क्यों क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इलेक्ट्रोनेगेटिव का एलिमेंट का क्या बिहेवियर होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन थे वो किसकी ओर अट्रैक्ट है ऑक्सीजन की ओर तो ये किसके साथ जाएंगे ऑक्सीजन के साथ जाएंगे तो कार्बन की वैलेंसी होगी एक खाली तो कार्बन की वैलेंसी खाली होगी तो ऑब्वियसली बात है इसमें क्या होगा पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी क्योंकि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन था वो तो चला गया यानी कि नेगेटिविटी चलेगी तो इसमें पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी तो आपने लगा दिया इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इतनी चीज क्लियर है अब देखो एक और चीज मैंने आपको बताया थी कि मैंने बोला था कि यहाँ पर कोई रिएक्शन क्या है दो वे में मतलब प्रोडक्ट दे रही है एक तो आपका एल्कोहल हो गया रियरेंज प्रोडक्ट लेकिन एक डीप्रोटोनेटेड होता है वो स्टेप यहाँ पे क्यों आया क्योंकि मैंने आपको बोला है कि अगर किसी re अगर किसी किसी रिएक्शन रिएक्शन में में आप बाहर से चीज को ऐड कर रहे हैं तो आपने इसी रिएक्शन के अंदर उसे आपने बाहर देना भी होता है यानी कि अगर आप अपनी लाइफ में लोन ले रहे हैं बाहर से बैंक से आपने किसी से लोन ले लिया तो सही बात यह है कि आप उसको चुपका कर... मतलब तो सही बात यह है कि आप उस लोन को क्या है वापस करके आप अपना लोन जो आपने लिया वह बाहर से किसी से वो वापस उसे लौटा के ही कुछ काम कर करें इतनी चीज समझ में तो रिएक्शन क्या है कंप्लीट होने से पहले अगर रिएक्शन ने अपने आप को कंप्लीट कराने के लिए अपने आप को फैसिलेट कराने के लिए बाहर से कोई एलिमेंट को लिया है या फिर बाहर से कोई ग्रुप को ऐड किया है तो इसे रिएक्शन खत्म होने से पहले इस ग्रुप को वापस भी करना होता है तो देखो यहां आपने एच पॉजिटिव आयन लिया है एसिड से तो रिएक्शन खत्म होने से पहले आप एच नेगेटिव आयन को बाहर भी निकालेंगे वही स्टेप होता है डी प्रोटोनेशन का अभी मैं आपको इतनी चीज और क्लियर कराऊंगी तो मैं भी जस्ट इन्फॉर्म कर रही थी ओके तो कार्बोड आपका बन गया और आपको किया था कार्बोकेटाइन ही चाहिए था अब आप कराएंगे इस कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट कैसे होगा रीअरेंजमेंट देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या है स्टेप इस सेकंड इसमें बोल रहा है इन स्टेप सेकंड आपने क्या करना है द कार्बो एन कार्बोनियम आयन देखो कार्बोकेटाइन को आप कार्बोनियम आयन भी बोल सकते हैं तो ये हो गया एक टाइप का कार्बोनियम आयन ये होगा रीअरेंज क्योंकि अब आपका रीअरेंजमेंट वाली प्रोसेस आ गई अब जब ये रीअरेंजमेंट होगा तो यहाँ पर कोई वन टू शिफ्ट होगी जैसा पिनाकोल और पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन में हुआ था सेम प्रोसीजर वहां भी आपने किया था वहां भी वन टू शिफ्ट की थी वन टू शिफ्ट में क्या होगा देखिए आपने क्या किया यहाँ पर जो आपका कार्बोट था इसको कौन सी पोजिशन में शिफ्ट कर दिया इस पोजिशन में इसका रीजन क्यों है इसका रीजन ये है कि अगर आप यहाँ पर को हाइड्रोजन चेक करेंगे ना तो ये कुछ ऐसे होंगे कार्बन कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन तो आप देखिए पर कोई जो कार्बन है वो आपका एक एक प्राइमरी कार्बन है है क्यों क्योंकि यहाँ सिर्फ आर ग्रुप और दो हाइड्रोजन है यानी कि प्राइमरी कार्बन और प्राइमरी कार्बन के ऊपर अभी पॉजिटिव चार्ज है बट आप इसे स्टेबल करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा या इसे सेकेंडरी कार्बोकेटाइन पे डालना होगा या फिर टर्शी कार्बोकेटाइन तो आप देखिए यहाँ पर कोई टर्शरी कार्बोकेटाइन बन जाएगा समझ मारा तो देखो यहाँ पर को क्या करेंगे आपने क्या करना है इस कार्बोकेटाइन को शिफ्ट कराना है इसकी फर्स्ट पोजिशन सेकेंड से पोजिशन में लेकिन पिनाकोन में जो शिफ्टिंग हुई थी वो वन थ्री शिफ्टिंग हुई थी वहां भी मिथाइल ग्रुप की शिफ्टिंग की थी बट वन थ्री शिफ्टिंग की थी यहाँ पर को आपने करनी है शिफ्टिंग जैसे आप क्या करेंगे इस पॉजिटिव चार्ज को शिफ्ट करेंगे इसकी सेकेंड पोजिशन सेकेंड पोजिशन क्या है यहाँ आप क्यों शिफ्टिंग कर रहे हैं मैंने बता दिया यहाँ पर का जो कार्बोकेटाइन है वो आपका लेस स्टेबल है क्योंकि ये प्राइमरी है यहाँ वाला आपका टर्शरी बन जाएगा अब आप देख सकते हैं ये कार्बोकेटाइन आपका टर्सरी बन

So sorry, इस कार्बन के पास है ये इसको एक ग्रुप चाहिए ताकि इसका पॉजिटिव चार्ज हट जाए और इसको एक ग्रुप निकालना है ताकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए ये तो चीज हमने करनी है तो आपने क्या करना है इस ग्रुप को यहाँ से तोड़ के कहा शिफ्ट कर देना है इस कार्बन के पास जैसे यहाँ पर कोई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी तभी तो ये शिफ्टिंग कह रहा है यहाँ पर कोई शिफ्टिंग हुई तो क्या हुआ इसका पॉजिटिव चार्ज तो बैलेंस हो गया क्योंकि इस कार्बन की वैलेंसी पूरी होगी एक दो और तीसरा लेकिन इस कार्बन के ऊपर वैलेंसी कम होगी क्योंकि एक दो तीन और ये वाला ग्रुप तो चला गया तो अब इस कार्बन की वैलेंसी होगी बट एक्चुअल में कितनी होनी चाहिए थी होनी चाहिए तो अब इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज तो ये समझ गए यहाँ पर को क्या हुआ इस टाइप की शिफ्टिंग को बोलते हैं वन टू शिफ्टिंग इतनी चीज क्लियर है अब अगले स्टेप में क्या करेंगे आप स्टेप थर्ड में बोल रहे इन स्टेप थर्ड देर अकर न्यूक्लोफ्लिक अटैक अब न्यूक्लो कहां से आया जो ग्रुप आपने निकाला था जो ग्रुप आपने लीव किया था अपने सिस्टम से जिसे आप लिविंग ग्रुप कह रहे थे वही लिविंग ग्रुप क्या है आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा क्योंकि आपको मालूम है न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच होता है और लिविंग ग्रुप भी अपना नेगेटिव चार्ज लेके निकलता है मैं आपको बहुत अच्छे से आपको एलिफेटिक एरोमेटिक न्यूक्लोफ्लिक रिएक्शन पे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ तो स्टेप थर्ड पे आपने क्या किया इन स्टेप थर्ड न्यूक्लोफ्लिक अटैक हुआ यानी कि आपने न्यूक्लोफाइल कौन लिया था ओ ग्रुप सॉरी आपने लिविंग ग्रुप क्या लिया था ओ ग्रुप लिया था तो न्यूक्लोफाइल भी आपने ले लिया ओ ओके

इस कार्बोकेटाइन पर अटैक कराना होगा ये होगा आपका लास्ट स्टेप लेकिन यहाँ पर को एक स्टेप पे रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो जाती मैंने क्या बोला ये अगर आप यहाँ पर को क्या कराओगे न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराओगे तो ये बनाएगा जो आपका एल्कोहल ही तो बनेगा आपका एल्कोहल शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन पे तो आपका क्या हो गया रियज प्रोडक्ट हो गया पहले आपका नियो फॉर्म में था नियो पेंटाइल एल्कोहल अब यहाँ पर को क्या हो जाएगा आइसो आइसो पेंटाइल या में अरेंज हो गया नंबर ऑफ कार्बन उतना ही है भी है हाइड्रोक्सी ग्रुप बट पर को अरेंजमेंट हो हो गया हो गया पहले आपका नियो फॉर्म में था अरेंजमेंट अब ये किस में कन्वर्ट हो गया आइसो फॉर्म में इतनी चीज क्लियर है ये तो रियेंज प्रोडक्ट हो गया लेकिन याद कीजिए आपने तो रिएक्शन जब कंप्लीट कराई थी एच पॉजिटिव आइन को लिया था तो आपने रिएक्शन कंप्लीट होने से पहले एच पॉजिटिव आयन को बाहर फेंक ना दिया तो आप दूसरे स्टेप में दिखा सकते हैं एक दूसरा स्टेप देखो यहाँ लिखा है आप दो स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट करा सकते हैं एक तो है आपके न्यूक्लोफाइल को अटैक कराइए न्यूक्लोफाइल अटैक करेगा तो आपका रियरेंज प्रोडक्ट बनेगा लेकिन दूसरा स्टेप है अदरवाइज आपने क्या कराना है डी प्रोटोनेशन यानी कि जो प्रोटोन आपने पहले लिया था उसे वापस कीजिए और आपका अगर आपने प्रोटोन वापिस किया तो ऑब्वियसली बात है क्या बनेगा एल कैसे बना देखो ध्यान से देखिएगा ये आपका है कंपाउंड आपने इसमें डी प्रोटोनेशन कराना अब मैं बताती हूँ आपने क्या करना है डी प्रोटोनेशन डी मतलब क्या होता है निकालना डिहाइड्रेशन मतलब वाटर को निकालना तो डी प्रोटोनेशन मतलब कि आपका जो एच पॉजिटिव प्रोटोन मतलब क्या हुआ एच पॉजिटिव आयन आपने एच पॉजिटिव आयन को इस सिस्टम से निकालना है आप कौन सी पोजिशन से निकालेंगे आप चाहे इससे निकालिए आप चाहिए इससे निकालिए तो सपोज आपने इससे क्या है एक हाइड्रोजन को निकाला तो अब ये क्या बच जाएगा सी एच बच जाएगा देखिए अगर मैं इसको निकाल दू तो ये सिंपल सी एच बन जाएगा अब देखो इसकी वैलेंसी पूरी है नहीं है क्यों एक दो और इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसने क्या कर दिया एक इलेक्ट्रॉन को अपना एक जो बॉन्ड है उसको निकाल दिया ओके तो अब क्या होगा देखो यहाँ पर को एक बॉन्ड दो बॉन्ड तीन बॉन्ड ओके बट इसके पास कितने होने चाहिए चार होने चाहिए समझ में तो क्या होगा यहाँ पर को शिफ्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड का और ये दोनों पॉजिटिव चार्ज यहाँ से घुम जाएंगे यानी कि गायब हो जाएंगे इतनी चीज क्लियर हो रही जिसकी वजह से क्या होगा यहाँ पर को कन्वर्ट हो जाएगा ये एल्कीन में तो ये मैंने आपको पहले ही बताया कि डी प्रोटोनेशन से आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा एल्कीन और सिंपल आपने अगर न्यूक्लोफ्लिक अटैक कराया यानी कि रीअरेंजमेंट कराया तो आपका जो लिविंग ग्रुप वाला कंपाउंड था वही आपका एज ए न्यूक्लिफाइल बिहेव कर रहा है तो आपका क्या होगा रीअरेंज प्रोडक्ट बन जाएगा वो होगा आपका एल्कोहल इतनी चीज क्लियर है तो यही होती है आपकी वैगनर मैरवाइन रीअरेंजमेंट रिएक्शन बहुत सिंपल थी जस्ट लाइक पिनाकोल लाइकोलनाकोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन ओके तो होप आपको समझ में आया होगा अगर समझ में आया होगा तो प्लीज रिस्पॉन्स भी कीजिए अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो भी पूछ लीजिएगा ओके okay? तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कर लीजिए शेयर कर लीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको एमएससी और बीएससी से रिलेटेड सारे कंटेंट मिल सके और ये जितना भी स्टडी मटेरियल ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर कमेंट सेक्शन पे इसका लिंक शेयर कर दूंगी आप वहां से जाके ले लीजिएगा ओके okay? तो वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे तब तक के लिए बाय बाय